हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में नेमोनिक मेथड का अप्रैल मंथ का ये रहेगा। और फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने जनवरी, फरवरी और मार्च का ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप जनवरी मंथ का पहला वीडियो देख लें, उसके बाद ये अप्रैल देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग नेमोनिक मेथड से अप्रैल मंथ को पूरा कवर करेंगे और आपको ये याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो फ्रेंड्स, आपको बस मेमोरी टिप्स का जो वर्ड होंगे वो चीज़ आपको थोड़ा सा माइंड में याद रखना है, उसको डिकोड करना है और वो डेट पे पहुंच जाना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट डे है। तो नेशनल और इंटरनेशनल सारे डे होंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला मैं देखता हूँ, पहला वो क्या है। पहला देखिए फ्रेंड्स, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। ब्लाइंडनेस वीक की रोकथाम कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। मेमोरी टिप सबको क्या याद रखना है? दारू पीने से अंधे होते हैं। हाँ फ्रेंड्स, दारू पीने से अंधे होते हैं। आपको सुन के अजीब लग रहा होगा कि दारू पीने से अंधा कौन होता है। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात पता होना चाहिए कि मिथेनॉल एक्सेस कर देने पे लोग क्या होते हैं, अंधे हो जाते हैं। तो उसमें अगर आप आता है इथेनॉल में, अगर आप मिथेनॉल का मात्रा ज़्यादा हो जाने पे लोग क्या होते हैं, अंधे हो जाते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है, ब्लाइंडनेस जब भी आएगा तो याद रखना है कि दारू पीने से क्या होते हैं, अंधे होते हैं लोग। क्या होते हैं? अंधे होते हैं। कब? दारू पीने से। तो डी का कोड 1, ए का कोड नहीं होता है दोस्तों, आर का कोड 4, यू का कोड नहीं होता है। तो 1/4, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 अप्रैल। क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल। बस इतने ही याद करना है, इसी तरह सारा चीज़ को हम लोग याद करेंगे। तो अगला फ्रेंड्स, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। मेमोरी टिप्स क्या होगा? आत्म केंद्रित जागरूकता के लिए नारा लगाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कि आत्म केंद्रित जो बच्चे, जो बहुत बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ये बीमारी होता है। उसमें क्या होता है कि उसका माइंड एक जगह पे नहीं कॉन्स्टेंट रहता है, वो इधर उधर की बातें सोचते रहता है, चिड़चिड़ापन होता है। तो उसको बोलते हैं आत्म केंद्रित करने के लिए क्या किया जाता है, एक अवेयरनेस फैलाई जाती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, बहुत जगह पे नारा, बैनर, ये सब लगाया जाता है। तो बस उसी से हमारा ये मेमोरी टिप्स होगा कि आत्म केंद्रित जागरूकता के लिए नारा लगाई जा रही है। क्या लगाई जा रही है? नारा लगाई जा रही है। तो N का कोड 2, A का कोड नहीं होता, R का कोड 4, A का कोड नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, 2/4, मतलब 2 अप्रैल को मनाई जाती है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर माइंड अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइंड एक्शन, माइंड जागरूकता और खान कार्रवाई में सहायता अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो फ्रेंड्स, आपको पता है जो माइंड होता है वो हर जगह पे नहीं मिलता है, बहुत रेयर केस में मिलता है। अगर वैसा हर जगह मिलता तो हर जगह माइंड ही होता ना, इसीलिए बोला गया है हमारा मेमोरी टिप्स में क्या रहेगा कि माइंड रेयर ही मिलता है। जो खदान होता है वो क्या होता है, हर जगह पे नहीं मिलता है। जो खान होता है, खदान होता है, वो हर जगह पे नहीं मिलता है। वो कहाँ मिलता है? रेयर मिलता है। आर का कोड 4, ए का कोड नहीं होता है, आर का कोड 4, ई का कोड नहीं होता है। तो 4/4, तो इससे क्या हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, इससे याद रखेंगे 4 अप्रैल। बस इतने ही आपको याद रखना है, तो ये क्लियर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, नेशनल मैरिटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। मेमोरी टिप्स क्या होगा दोस्तों, समुद्र में लहर आता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है, समुद्र में क्या आता है, लहर आता है। क्या आता है? लहर आता है। बस L का कोड 5, A का कोड नहीं होता, H का कोड नहीं लिखते हैं, A का कोड भी नहीं लिखते हैं, R का कोड 4। तो कैसे लिख सकता हूँ, 5/4, मतलब 5 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। मेमोरी टिप्स क्या होगा दोस्तों, अपना स्वास्थ्य का केयर खुद करनी चाहिए, अपना स्वास्थ्य का केयर खुद करनी चाहिए। बस सी का कोड 7, ए का कोड नहीं होता है, आर का कोड 4, ई का कोड नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7/4, क्या हो जाएगा देखिए, 7/4, मतलब 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखता हूँ दोस्तों, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG फाउंडेशन डे, तो उसको भी आप देख लीजिए, SPG फाउंडेशन डे क्या क्या है। तो SPG फाउंडेशन डे, मेमोरी टिप्स क्या होगा दोस्तों, ये 8 अप्रैल को मनाया जाता है। मेमोरी टिप्स जो मैंने रखा है वो क्या रखा है, SPG को के लोग फायर बुझा रहे हैं।
तो फ्रेंड्स कहीं पे आग लग गया है उसको कौन बुझा रहे हैं, एसपीजी। तो जब भी एसपीजी आता है तो आपका माइंड में चलना चाहिए कि एसपीजी क्या करेंगे, आग को बुझाएंगे। क्या करेंगे? आग को बुझाएंगे, और आग मतलब फायर को बुझाएंगे, फायर को बुझाएंगे। एफ का कोड 8, आई का कोड नहीं होता, आर का कोड 4, ई का कोड नहीं होता है। तो जब भी एसपीजी आएगा तो आपको माइंड में क्या आएगा, फायर आएगा। मेमोरी टिप्स अगर दूसरा अगर आपको नहीं पता तो फ्रेंड्स ये वाला कर सकते हैं, ये वाला आपका मेमोरी टिप्स में आसानी से रहेगा। अगर वो चीज़ आपको नहीं क्लिक कर रहा तो ये चीज़ को आप याद रखें, एसपीजी के लोग बहुत वीर होते हैं, बस आपको ये चीज़ याद रखना है। ये वाली आपको अगर डिफ़िकल्ट लग रही है तो इसको आप फॉलो करें। ये वाली क्या है, एसपीजी के लोग बहुत वीर होते हैं। वीर होते हैं तभी तो फ्रेंड्स बहुत बड़े बड़े जो लीडर होते हैं उनके पे सिक्योरिटी गार्ड पे काम करते हैं। तो एसपीजी कब बना था, तो आप इसे डिकोड कर लें। वी का कोड 8, ई का कोड नहीं होता, ई का कोड नहीं होता, आर का कोड 4, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 8/4, मतलब 8 अप्रैल को मनाया जाता है क्या एसपीजी, या एसपीजी का फाउंडेशन डे कब है, 8 अप्रैल को है। और बस माइंड में याद रखना है एसपीजी लोग क्या करते हैं, एसपीजी वाले बहुत वीर होते हैं। क्या होते हैं, वीर होते हैं, बस इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। नेक्स्ट देखता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट इस पेज में मैं क्या क्या लिया हूँ वो देखता हूँ, इंपॉर्टेंट डेज। तो फ्रेंड्स 7 नंबर पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। मेमोरी टिप्स क्या होगा दोस्तों, होम्योपैथी डॉक्टर बनना मेरा डिज़ायर है। क्या है, डिज़ायर है, क्या है, डिज़ायर है। तो डी का कोड 1, ई का कोड नहीं होता, एस का कोड 0, आई का कोड नहीं होता, आर का कोड 4, ई का कोड नहीं होता है। तो बस आपको जब भी आएगा वर्ल्ड होम्योपैथी डे तो किसका, होम्योपैथी डॉक्टर, आपको होम्योपैथी डॉक्टर बनना आपका क्या है, डिज़ायर है। होम्योपैथी डॉक्टर बनना आपका क्या है, डिज़ायर है। अगला फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिमेम्बरेंस डे या फिर उनका जन्मदिन, तो अंबेडकर स्मरण दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। मेमोरी टिप्स क्या होगा, अंबेडकर की मूर्ति पर दरार पड़ गई, अंबेडकर की मूर्ति पर दरार पड़ गई। तो डी का कोड 1, ए का कोड नहीं होता है, आर का कोड 4, ए का कोड नहीं होता है, आर का कोड 4, तो 14/4। तो फ्रेंड्स मैंने पहले बता चुका हूँ कि जब 3 डिजिट का ये आ जाता है तो जो 2 डिजिट होगा वो हमेशा डे को रिप्रेजेंट करेगा, और सिंगल डिजिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, मंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट देखता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, आप अगर नेक्स्ट देखोगे तो आपको ये दिखेगा वर्ल्ड हेमोफेलिया डे, विश्व हेमोफेलिया दिवस, ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये बात याद रखना है, हम फेल हो गए तो, हम से हम फेल, तो हेमोफेलिया आपका माइंड में क्लिक कर जाएगा, हम फेल, हेमोफेलिया, हम फेल, इससे आपको क्लिक कर जाएगा। हो गए तो क्या करना पड़ेगा, ठोकर खाना पड़ेगा, ठोकर अवश्य खाना पड़ेगा। तो ठोकर में फ्रेंड्स टी का कोड 1, एच का कोड नहीं होता है, ओ का कोड नहीं होता है, के का कोड 7 होता है, ए का कोड नहीं होता है, आर का कोड 4 होता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये कोड के बारे में नहीं पता तो मेरा पहला वीडियो जनवरी का देख लें, उसमें बताया गया है किस कोड को कंसीडर करेंगे और किसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो वीडियो आप देख लें तो ये समझ में आएगा ये चीज़ बात जो मैं बोल रहा हूँ बार बार। अगला फ्रेंड्स 10 नंबर पे वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। मेमोरी टिप्स क्या होगा, विरासत में आपको दीवार मिला है, क्या मिला है, दीवार मिला है, विरासत में आपको क्या मिला है, दीवार मिला है। तो डी का कोड 1 होगा, ई का कोड नहीं होता है, वी का कोड 8 होगा, ए का कोड नहीं होता, आर का कोड 4, तो 18/4 क्या हो जाएगा, 18/4 मतलब 18 अप्रैल को मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड हेरिटेज डे। अगला इंडियन सिविल सर्विस डे, इंडियन सिविल सर्विस डे, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है, या फिर बोल सकते हैं फ्रेंड्स इस डे से स्टार्ट हुआ था। मेमोरी टिप्स क्या होगा, सिविल सेवा में जाने के लिए निठूर बनना होगा, क्या बनना पड़ेगा, निठूर, निठूर बनना पड़ेगा या फिर निठूर होना पड़ेगा। निठूर का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको मतलब बहुत सारा चीज़ कंट्रोल करना होगा और डट के सामना करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं निठूर, क्या बोलते हैं, निठूर। तो फ्रेंड्स आपका जब भी आएगा कि सिविल सर्विस, तो आपका माइंड में आना चाहिए क्या कि सिविल सर्विस बनने के लिए पहले तो निठूर बनना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, निठूर बनना पड़ेगा। तो एन का कोड क्या होगा, 2 हो जाएगा, आई का कोड नहीं होता है, टी का कोड 1 होगा, एच का कोड नहीं होता है, यू का कोड नहीं होता है, आर का कोड 4 होगा। अगला फ्रेंड्स इंटरनेशनल अर्थ डे, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मेमोरी टिप्स क्या होगा, इस पृथ्वी का आपके नाना हीरो हैं,
कौन हीरो हैं इस पृथ्वी के, आपके नाना हीरो हैं। तो एन का कोड 2, ए का कोड नहीं होता, एन का कोड 2, ए का कोड नहीं होता, और एच का कोड हीरो में एच का कोड नहीं होता, ए का कोड नहीं होता, आर का कोड 4, ओ का कोड भी नहीं होता है। अगला वर्ल्ड वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। मेमोरी टिप्स क्या हुआ दोस्तों, पुस्तक में नाम हरि लिखा है, पुस्तक में क्या लिखा है, नाम हरि लिखा है, पुस्तक में नाम हरि लिखा है, तो नाम में एन का कोड 2, ए का कोड नहीं होता है, एम का कोड 3, और हरी में एच का कोड नहीं होगा, ए का कोड नहीं होगा, आर का कोड 4, आई का कोड भी नहीं होगा। तो इस तरह का सारा इंपॉर्टेंट डे 13 है जो आपका क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो में आपको मेरे ख्याल से सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, बस आप मेमोरी टिप्स में जो वर्ड हैं उसको आप एक बार माइंड में याद रखें। दारू क्या कहाँ पर यूज किया था, नारा कहाँ पर लगाया जा रहा था, रेयर क्या है माइंड से आ जाएगा, और लहर से समुंदर याद हो जाएगा, केयर से स्वास्थ्य याद हो जाएगा, फायर से एसपीजी याद हो जाएगा, वीर से एसपीजी याद हो जाएगा, डिजायर से होम्योपैथी डॉक्टर, डॉक्टर अम्बेडकर प्रकाश का दरार, ये सारा चीज़ें आपको हमेशा क्लिक करता रहेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में वीडियो को देखें और एक बार थोड़ा सा माइंड में वो मेमोरी टिप्स को लाने की कोशिश करें और रिविज़न करें, तो आपको ये सारा चीज़ें याद हो जाएगी आसानी से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपने ये चैनल पर न्यू विजिट किया तो वीडियो को देखें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें हमारे वीडियो को, और हमारे चैनल पे बहुत सारे इजी ट्रिक पे वीडियो भी पड़े हैं, वो वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।